हेलो नमस्कार सस्त्री एकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहां सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1989, 7:56 सुबह का जन्म है बोरीवली का, 5 जून 1989, 7:56 बोरीवली। इन्हीं के कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, बताने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर इनका जीवन कैसा बीत रहा है और आगे भी कैसा बीतेगा। इसमें सबसे पहले आप ये देख लो कि उनकी जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की बनती है और जन्म से राशि भी इनकी मिथुन ही है। कुंडली के प्रथम भाव में मंगल चंद्रमा शुक्र विराजमान है, तीसरे में केतु है, सप्तम में शनि है, दशम में नवम भाव में राहु है, दशम में कोई नहीं, एकादश में कोई नहीं, बारहम भाव में गुरु सूर्य और बुध। इन सब का क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये लिख लो, अगर लिखना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि आपके जीवन में किस ग्रह का समय कब कब आएगा। जब आप ये लिख लोगे तो आपको इसके फल को जब मैं बताऊंगा तो आपको समझने में बेहतर होगी कि ये फल मिलेगा कब। सबसे पहले लिखो, जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 2/4/2006 तक राहु का समय रहा, 2/4/2006 से 2/4/2022 तक गुरु का समय रहा, 2/4/2022 से 2/4/2041 तक शनि का समय रहेगा, 2/4/2041 से 2/4/2058 तक बुध का समय जो है सो आपके लिए रहेगा। अब इसमें अंतर दशा को भी लिख लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो आप 2/4/2022 से 5/4/2025 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर दशा, 5/4/2025 से 14/12/2027 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर दशा, 14/12/2027 से 23/1/2029 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा, 23/1/2029 से 23/3/2032 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, 23/3/2032 से 5/3/2033 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, 5/3/2033 से 5/10/2034 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, 5/10/2034 से 14/11/2035 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा, 14/11/2035 से 20/9/2038 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा, 20/9/2038 से 2/4/2041 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा, 2/4/2041 से 30/8/2043 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा, 30/8/2043 से 27/8/2044 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा, 27/8/2044 से 27/6/2047 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा, 27/6/2047 से 2/5/2048 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा, 2/5/2048 से 2/10/2049 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, 2/10/2049 से 30/9/2050 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतरदशा, 30/9/2050 से 17/5/2053 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा, और 17/4/2053 से 23/7/2055 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा, और 23/7/2055 से 2/4/2058 तक बुध के महादशा में शनि की अंतरदशा। उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ग्रहों का समय लिख लिया होगा, कॉपी पर में, नोट पैड पर में आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके फल को बताने जा रहा हूं, तो आपको कब किस समय क्या क्या फल मिलेगा इसको बड़े गौर से ध्यान से समझने की आप कोशिश करो। सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करता हूं। सूर्य इस कुंडली के तीसरे भाव का मालिक होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य का समय जब जब आपके जीवन में आएगा, खर्चा ज्यादा होगा, धन के हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर में है तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में जाओगे, केस मुकदमा का योग बनेगा, आप इस कलंक शो कर दुख के भागी बनोगे। तीसरे भाव का मालिक है तो सूर्य के समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स का साथ बहुत कम मिल पाएगा, गुप्त शत्रु के द्वारा
परेशानी होगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, ये सब आपको सूर्य के समय में दिखाई देगा। सूर्य के समय में अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हो तो आपको सूर्य को दैनिक तौर पर जल देना होगा और नमो घृणे सूर्याय नमः मंत्र का डेली 10 माला जाप करना पड़ेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है, ये भी मिथुन लग्न में चंद्रमा मस्तक पे बैठा हुआ है, नीच का होता है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा शारीरिक तौर पर ज्यादा परेशानी होगी, रंग रूप बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, ज्ञान में कमी होगी आपको। वैसे आपका चेहरा बहुत सुंदर होगा, चंद्रमा शुक्र मंगल सब चेहरे पे बैठा हुआ है, लेकिन जब चंद्रमा का समय आएगा तब रंग रूप में भी गिरावट आ जाएगी, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव भी खराब होगा, गौरव करने लायक काम नहीं कर पाओगे, विनम्रता में कमी होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग ये चंद्रमा बनाएगा। दूसरे भाव का मालिक है तो धन धान्य संपत्ति जमा नहीं कर पाओगे, परिवार में टेंशन तनाव कला की स्थिति बनेगी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव होगा, झूठ बोलना ज्यादा पड़ेगा, आंख से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा आपके लिए अच्छा नहीं है, चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती धारण मत करना, सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक्य धारण मत करना, चंद्रमा के लिए आपके लिए मंत्र है नमो सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का दैनिक तौर पर में आपको 10 माला चंद्रमा के समय में जाप करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की बात करूं तो मंगल भी आपके कुंडली में एक मारक ग्रह है, आपके कुंडली में मंगल का जब समय आएगा मस्तक पे विराजमान है, गुस्सा ज्यादा आएगा, शारीरिक तौर पे परेशान करेगा, ज्ञान में कमी आएगी, मानसिक तौर पे बेचैनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करने में परेशानी होगी, विनम्रता में कमी होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख कम मिल पाएगा, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी होगी, माता को हेल्थ वाइज इशू रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, हर काम में रुकावट बाधा और दुर्घटना के भी योग नजर आएंगे। मंगल कुंडली के एकादश भाव का मालिक है तो लाभ कम मिलेगा और छठे भाव का मालिक है तो दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा और तबीयत ज्यादा खराब रहेगी। मंगल के समय में सुरक्षा के लिए आपको चाहिए नमो अंगारकाय नमः मंत्र का 10 माला आपको डेली जाप करना है और मंगल के लिए मूंगा कभी भी धारण नहीं करना है, नहीं तो परेशान करेगा। बात करेंगे बुध की, बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात देखो, मैं कुंडली जो देख रहा हूँ उसमें मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हो तो आपके जीवन में ज्यादा अच्छा समय रहेगा, हिंदुस्तान में रहोगे तो मैं सारे ग्रहों की स्थिति विपरीत देख रहा हूँ, आपको एक के बाद एक परेशानी ही ज्यादा आएगी। चलिए बुध के बारे में बात करते हैं, बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, बुध का समय जब आएगा और अगर आप विदेश में हो हिंदुस्तान से बाहर हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, हिंदुस्तान में रहोगे तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी होगी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव होगा, दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अव्यस्त, कलंक, शोक और दुख के आप भागी बनोगे। बुध प्रथम और चौथे भाव का मालिक है तो मानसिक तौर पर भी बेचैन रहोगे और जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप हिंदुस्तान में रहोगे तो। बुध के बाद देखो गुरु भी 12वें भाव में ही बैठा हुआ है, ये भी कह रहा है कि अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तो मैं ज्यादा अच्छा फल दूंगा, हिंदुस्तान में रहोगे तो परेशान करूंगा। तो गुरु भी 12वें भाव में है तो ये भी खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता से परेशानी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, सप्तम दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आपको बता दूं मैं कि बहुत ज्यादा धन के हानि का योग, पैसे से संबंधित चीजों को आने में रुकावट, काम धंधा में बहुत परेशानी के योग बनेंगे। गुरु सप्तम भाव का और दसम भाव का मालिक है तो काम धंधा भी बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा में भी परेशानी और जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव का योग ये गुरु बनाएगा। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। अच्छा गुरु के लिए जो है जो आपको गुरु के समय में भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा, नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करोगे तो गुरु आपको कम परेशान करेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में बैठा हुआ है, ये एक बढ़िया ग्रह है, शुक्र का जब जब समय आएगा चेहरा बहुत खिल करके सामने आएगा,
रंग रूप बहुत अच्छा दिखेगा, शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, विनम्रता बनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करोगे, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छे चलेंगे। और बारहवें भाव का मालिक है तो विदेश से भी खूब लाभ का योग बनेगा, अपने घर से दूर कहीं दूसरे जगह भी रहोगे तो वहां से भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा। पंचम भाव का मालिक है तो आपके संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी आप ले पाओगे, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी अवसर मिलेगा और अचानक से पैसा भी खूब आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र के लिए आपको अगर और बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो एक रत्न है जिसका नाम है ओपल फायर, उसको धारण करो, अच्छा क्वालिटी का धारण कर सकते हो तो जरूर करो, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और कुंडली के अष्टम और नवम भाव का मालिक है। शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा है, शनि का समय जब जब आएगा तो आपको जो है सो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है उन सब से आपको राहत महसूस होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थयात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे। दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अपार संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा, पैसा जो है सो आपके पास में इस समय में खूब आएगा क्योंकि चौथे भाव पर में शनि की दृष्टि है तो पैसा खूब आएगा, बहुत रुपया पैसा वाला आप कहलाओगे। छाती हृदय फेफड़े संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे भी आपको राहत महसूस होगी। छठे अष्टम भाव का मालिक है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विदेश से भी खूब धन के लाभ का आपके लिए योग बनेगा, बढ़िया पैसा आप विदेश से भी जो है सो बना पाओ। तो शनि आपके लिए जो है सो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है। केवल आपको करना क्या है कि शनि के समय में बढ़िया क्वालिटी का अगर आप नीलम धारण, ऐसे नीलम धारण करने की भी जरूरत नहीं है, नीलम शनि अपने आप में मजबूत है, केवल शनि के समय में नमो संग शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप ही मात्र अगर करोगे तो उसी से आपको खूब लाभ मिल जाएगा। शनि के बाद बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, राहु का जब जब समय आएगा भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिल पाएगा। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, दिमागी तौर पे बहुत परेशानी होगी, मेंटली तौर पे ज्यादा परेशान हो जाओगे। राहु के सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है तो पराक्रम में कमी होगी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाकाम शोषण से संबंधित भी कुछ परेशानी परेशान करेगी। नवम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में है, यानी कि संतान के सुख में कमी का योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य का पालन करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, केतु का जब जब समय आएगा छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ संबंध खराब होंगे, खुद के पराक्रम में कमी होगी, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान सुसनंग से संबंधित परेशानी होगी। केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी के सुख में कमी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग। और केतु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है, यानी कि आमदनी में कमी, लाभ का कम होना, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना की पूर्ति में परेशानी, सीनियर्स का सपोर्ट का ना मिलना और बुढ़ापे में पुत्र वधु और दामाद का सुख भी ना मिलना। राहु केतु का जब जब समय आएगा तो राहु केतु के मंत्र का 10-10 माला जाप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु का मंत्र है नमो रांग राहवे नमो और केतु का मंत्र है नमो के केतवे नमो। मैं ये देख पा रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो है सो आपका थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है, दो ग्रह ही आपके फेवर में, बाकी सब विपरीत है, हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए आपके बारे में क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने लिखा है कि मैं काम से सिनेमेटोग्राफर का काम करता हूं, मुझे जितनी सफलता चाहिए उतनी अभी तक पे प्राप्त नहीं हो पाया है, मुझे आर्ट में अपना निशान छोड़ने की बहुत इच्छा रही है बचपन से ही। हाँ, इस फील्ड में आपको सफलता मिलने का योग है, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जितना रहोगे आपको उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। हिंदुस्तान में आपको तभी सफलता मिलेगी जब हमने
शुक्र और शनि का समय आपको लिखाया है उस समय में ज्यादा सफलता मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूसरा प्रश्न है आपका, मैं बचपन से ही तंत्र और ज्योतिष विद्या से आकर्षित हुआ हूं, मैं उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करता लेकिन स्पिरिचुअली के अलग अलग स्टाइल मुझे आकर्षित करते रहते हैं और मैं सिर्फ उन्हें समझने के लिए पढ़ता हूं। बहुत बढ़िया है, मैंने प्राणिक हीलिंग की विद्या जो है सीखी है और उनके ही मेडिटेशन और कभी कभी परिवार में सिंपल हीलिंग करता हूं। बहुत अच्छा है, मेरी कमाई सिर्फ सिनेमेटोग्राफी से ही आती है, मुझे उससे बहुत लगाव है और मैं चाहता हूं कि मेरी और कभी कुछ करूं और उनको संभालूं। ठीक है, रिलेशनशिप में कोई चलते नहीं इतनी आसानी से, मेरा दिमाग में बहुत विचार आते हैं, मुझे पिछले 5-6 साल से अच्छी नींद नहीं आ रही है। ठीक बात है, क्योंकि आपके कुंडली में समय ऐसा चल रहा है तो नींद कैसे आएगी आपको। मैं अध्यात्म के दुनिया देखता हूँ, अध्यात्म से दुनिया देखता हूँ तो सही कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल जिंदगी जीने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अन्याय और पशुओं की पीड़ा मुझे बहुत दुख देती है, लोग सारे अपने दुख मुझे बांटते हैं लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे दुख समझने वाला कोई नहीं रहता। मेरे पिताजी पर एक फ्रॉड केस उनके भांजे ने लगाया है और मेरी माताजी को 2 साल पहले बहुत बुरी मेडिकल इमरजेंसी हुई थी। आप प्लीज मुझे थोड़ा गाइडेंस दें जिससे किस दिशा में अपनी समृचली और शांति को पाऊं। देखो, इस समय में आपकी जो स्थिति है, इस समय में नहीं, मैं आपको पहले कुंडली प्रश्न देखने से पहले ही मैंने कुंडली जब देखा उसी वक्त कहा कि हिंदुस्तान में आपको ज्यादा परेशानी का योग है, हिंदुस्तान से बाहर अगर जाओगे तो आपको विशेष सफलता का योग है। इस समय में आपके कुंडली में शनि का समय चालू हो गया है, शनि का समय है, शनि आपको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएगा, स्पिरिचुअली भी यानी कि आध्यात्मिक तौर पर भी और काम के क्षेत्र में भी इतना ऊंचा ले जाएगा जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपको क्या करना है कि शनि के मंत्र का डेली 10 माला जाप करना है, नमो शं शनैश चराय नमः, और अगर आप कर सकते हो तो एक बढ़िया पूजा पाठ का आयोजन करो जिसमें कि शनि के मंत्र का जाप होगा, राहु केतु के मंत्र का जाप होगा और दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, धन प्राप्ति के अपार दौलत प्राप्ति के मंत्र से रुद्राभिषेक हवन होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ऊंचे स्तर पर मैं आपको ले जाएगा। वैसे और भी अगर सिनेमेटोग्राफर का अगर आप काम करते हो तो अभी तक आपने क्या कुछ बड़ा किया है, किस फिल्म में काम किया है या कहां पर क्या आपने कुछ बड़ा किया है जिसे लोग जानते हो, मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, मैं चेक करूंगा उसे। आपके लिए अभी इतना ही है और आपके सभी समस्याओं का समाधान ये है इस समय में कि राहु केतु और शनि के मंत्र का जाप करवाओ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक हवन करवाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।